हेलो फ्रेंड्स, फोर ऑफ डिवाइन टैरो में मैं आदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करेंट फीलिंग पे रीडिंग। ठीक इस वक्त जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं, आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, तो स्टे ट्यून्ड। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की जरूरत नहीं है, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, ऐसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें, तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं, तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। चलिए डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। ठीक इस वक्त जब हमारे व्यूअर्स ये रीडिंग देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है? फाइनल शफल बाबा जी, आई नीड ओनली 5 कार्ड्स। ठीक इस वक्त हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है? प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन मेजर अरकाना से बताइए हमारे, आई नीड ओनली 1 कार्ड, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है? ठीक इस वक्त फाइनल शफल बाबा जी, आई नीड ओनली 1 कार्ड, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है? ठीक इस वक्त जोडेक साइन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस की एनर्जी है, इसमें स्कॉर्पियो की एनर्जी और एक्वेरियस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इसके अलावा एरीज लियो सेजिटेरियस है, टॉरस वोगो कैप्रिकॉन है, एंड जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस है। एक्चुअली आज मुझे बहुत तेज कोल्ड है तो नाक बंद है, तो फंबल भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, सांस ले नहीं पा रही हूँ। आपके पर्सन की एनर्जी फ़िलहाल ये है कि एक न्यू बिगिनिंग आपके साथ में करना चाहते हैं, ठीक है। जो भी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं ये विश कर रहे हैं कि चीज़ें सब ठीक हो जाएं, एक ट्रांसफॉर्मेशन लेकर के आना चाहते हैं इस रिश्ते में ये, ठीक है। इनको एक फ्रेश न्यू बिगिनिंग करनी है, यहाँ पे ये चीज़ है। आपके साथ एक हैप्पी फैमिली बनाना चाहते हैं, पहला ही कार्ड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी, आपके साथ एक हैप्पी फैमिली ये देखते हैं अपनी, आप लोग मैरिड हैं अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हैं, तो इनका इरादा है आपके साथ रहने का, अपना परिवार के साथ सुख से रहने का इरादा है, मतलब आपके साथ, ठीक है, फैमिली बनाने का इरादा है। मैरिड नहीं हो तो मैरिज करना चाहते हैं, ऐसा इरादा है। सपना देखते हैं कि एक घर हो, बेशक उसमें बहुत लग्जरी ना हो, लेकिन आप हो, बच्चे हो, ये हो, मतलब आराम से रहे, हैप्पी फैमिली, सुकून भरी फैमिली, ट्रू लव जिसको कहते हैं वो। फोर ऑफ कप्स की एनर्जी है, बट रीज़न ये है कि यहाँ पर किसी तरीके का ऑब्स्टिकल है, मतलब या तो ये आपको प्रपोजल दे नहीं पा रहे हैं, इनके पास ऑप्शन है, या इनको ऐसा लगता है कि आपके पास ऑप्शन है बहुत ज़्यादा और आप इनका ऑप्शन, मतलब इनका प्रपोजल जो है वो ले नहीं रहे हो, या लड़के हो तो दे नहीं रहे हो। यहाँ पे ये एनर्जी है किसी तरीके की, यहाँ पे ऑप्शन है और उसकी वजह से यहाँ पे प्रपोजल या तो आपकी तरफ से देरी हो रही है या इनकी तरफ से देरी हो रही है, कहीं ना कहीं ये तरीके की प्रॉब्लम है। नाइट किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अपनी ज़िंदगी में लाना चाहते हैं। पहला इनका जो कारण है आपकी तरफ ना बढ़ने का, उसका कारण है इनकी फाइनेंशियली स्टेबल ना होने का, तो ये पहले तो फाइनेंशियली स्टेबल होना चाहते हैं। सेकंड चीज़, किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी बहुत सारी चीज़ों को दिखाती है, सिर्फ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ही नहीं होती है, यहाँ कोई भी इंसान इतना ज़िम्मेदार और लॉयल बनना चाहता है कि लोग उस पर भरोसा करें, उसकी एक इज्जत हो, समाज में एक नाम हो, रुतबा हो, लोगों को मालूम हो कि हाँ, अगर वो पर्सन है, कहते ना जिसकी बात का भरोसा हो, कि हाँ वैसी पर्सनालिटी ये बनना चाहते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल का मतलब सिर्फ पैसा हाथ में होना नहीं होता है, एक रिलायबल पर्सनालिटी बनना चाहते हैं जिसके ऊपर लोग भरोसा करें, जैसे क्वीन ऑफ पेंटिकल होती है ना, कि रिलायबल, ट्रस्टवर्दी, गिवर टाइप की, अनकंडीशनल लव, ऑनेस्ट, ऑलमोस्ट यही एनर्जी जो होती है, ये ऑलमोस्ट नहीं एक्चुअली यही होती, वो वही डिवाइन काउंटर पार्ट हो गए ना, तो किंग ऑफ पेंटिकल ये बनना चाहते हैं, एक रिलायबल इंसान बनना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद ही अपनी ज़िंदगी के एक न्यू बिगिनिंग आपके साथ करना चाहते हैं। यहाँ पे भी डेथ एंड फॉर न्यू बिगिनिंग होता है, कहीं कुछ जो भी चीज़ें चल रही हैं उनको ख़त्म करके
नई शुरुआत। अगर इनका बिहेवियर बहुत नॉन कमिटेड बिहेवियर रहा है तो अब ये कमिटेड बनना चाहते हैं। अगर बहुत इरिस्पॉन्सिबल रहे हैं, कभी भी आना कभी भी जाना, तो अभी अपने अंदर वो बदलाव लेकर आना चाहते हैं जहाँ पे ये स्टेबल तरीके से आपके साथ में आना चाहते हैं। ठीक है, तो अपने जो भी पास्ट में इनके बिहेवियर रहे हैं, बिहेवियर वाइज रहे हैं, या जो भी आप रहे हों इनके इश्यूज, उन इश्यूज को ख़त्म करके एक नई फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं आपके साथ में। नाइट ऑफ वेंस की एनर्जी है, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत है इन्हें आपसे। ठीक है, फिजिकली बहुत अट्रैक्ट हो रहे हैं, विश कर रहे हैं। एक्वेरियस हो सकते हैं आपके पर्सन, कहीं ना कहीं हो सकता है कुछ यहाँ पे कोई ऐसी एनर्जी आ नहीं रही है, तो मैं उस चीज़ के बारे में बात नहीं करूँगी। अदरवाइज एक्वेरियस का द स्टार का कार्ड कहीं किसी फाइनेंशियल लॉस को भी दिखाता है, चोरी को भी दिखाता है, बट यहाँ सिनेरियो से मैच नहीं कर रहा, तो मैं उस चीज़ के बारे में नहीं बोल रही हूँ। यहाँ पे इनकी एनर्जी, ये एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग आपके साथ में करना चाहते हैं, ये है। काफ़ी सेक्शुअली इंक्लाइन है। अगर कहीं दूर रहते हैं तो लॉन्ग डिस्टेंस में अगर आप लोग हैं तो वहाँ पे ये आपको अपनी तरफ बुलाना चाहते हैं या फिर आपकी तरफ जाना चाहते हैं। ठीक है, विश करते हैं, मांगते हैं। फोर ऑफ वेंड्स की एनर्जी, यस, स्टेबिलिटी देखते हैं ये आपके साथ में। ठीक है, इनका इरादा है जैसे ही ये स्टेबल हो जाएंगे, इस लायक बन जाएंगे। अगर आप लोगों के बीच में कैरेक्टर को लेकर के कहीं इश्यूज़ रहे हैं कि ये, जैसे मैंने बोला कि इनका बिहेवियर ऐसा रहा है कि नॉन कमिटल रहे हैं, जब भी आपने कमिटमेंट की बात की, भाग लिए, तो अपनी उस एनर्जी से ये बाहर निकलना चाहते हैं। अगर रिस्पॉन्सिबल नहीं रहे हैं या ये डरते रहे हैं किसी तरीके से, कुछ भी जो भी इनकी ज़िंदगी में इशू, पैसा नहीं है, फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, तो ये हर लिहाज से उस लाइक बनना चाहते हैं जब ये आपकी तरफ एक रिलायबल पर्सन की तरीके से बढ़ सके। या आपकी फैमिली है तो इनको ये है कि आपकी फैमिली इनका ईजिली हाथ आपका इनके हाथ में दे दे, अगर ये लड़के हैं तो। ठीक है, वहाँ पर तो इस तरीके की इनकी एनर्जी है। फोर ऑफ वेंड्स की एनर्जी है, ये आपके साथ स्टेबिलिटी देखते हैं। ट्विन फ्लेम हो सकते हैं आप लोग यहाँ पे, और ये आपसे मैरिज करना चाहते हैं। ठीक है, वो बहुत तेज़ी से एक्शन लेना चाहते हैं। नाइट ऑफ सोर्ड्स की जो एनर्जी होती है वो एक्शन लेने को दिखाती है, और एक्शन सही की तरफ लेने को दिखाती है, वो कभी भी गलत एक्शन नहीं लेता है। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि अब उसकी नज़र में सही क्या है वो अलग हो सकता है, हो सकता है उसका जो सही है वो तुम्हें गलत लगे, लेकिन इनका एक्शन लेने का है कि ये बहुत तेज़ी से एक्शन लेना चाहते हैं, मैरिज करना चाहते हैं, स्टैंड लेना चाहते हैं। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, ये किसी और की भी एनर्जी हो सकती है, या फिर आप ही हो सकते हो कि आप नाराज़ हो इनसे, इन्हें ऐसा लग रहा है कि ये आप इन्हें रोक रहे हो, आप गुस्सा हो, इन्हें अपने पास आने नहीं दे रहे हो, इस तरीके की इनकी एनर्जी यहाँ पर हो सकती है। धोखा किसी तरीके का हुआ है, चीटिंग इन्वॉल्व हुई है, हो सकता है आपके पर्सन को भी आप पे लग रहा हो कि आप जो हो कि मतलब इनको चीट कर रहे हो, उनको ऐसा लग रहा है। ठीक है, या इनकी ज़िंदगी में कोई ऐसा हो सकता है कंट्रोलिंग, जिसकी वजह से इन्होंने आपको धोखा दिया हो पास्ट में, यहाँ पे एनर्जी है। तो आपकी तरफ से अभी आप हो सकता है नाराज़ हैं, ठीक है, धोखे वाली बातें आपके माइंड में, तो ये आपसे किसी तरीके के मैसेज कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं, चाह रहे हैं कि चीज़ें आप लोगों के बीच में ठीक हो जाएँ, अच्छी हो जाएँ, सेलिब्रेशन आप लोगों की ज़िंदगी में आ जाए, यहाँ पर इनकी ये एनर्जी है। शादी तो कहीं ना कहीं खतरे में पड़ी हुई है आप लोगों की अभी, पर इनका इरादा है कि इन्हें आपके साथ हैप्पी फैमिली बनानी है। वो पास्ट की एनर्जी आप लोगों के हो सकती है कि इन्होंने भागे हों, ये आपसे कमिटमेंट के नाम पे इन्होंने ना दिया हो, कोई धोखा दिया हो, चीट किया हो, थर्ड पार्टी सिचुएशन लाए हो, या इन्हें अपनी लिबर्टी, आज़ादी ज़्यादा प्यारी थी, दोस्तों के साथ रहना, मल्टीपल लोगों में पार्टी शार्टी करना, मतलब ये बंधना नहीं चाहते थे रिश्ते में पास्ट में, तो ये किसी एक के होके नहीं रहना चाहते थे, अगर सीरियसली बोले तो ये इनकी एनर्जी रही होगी। तो अब ये क्या कर रहे हैं, ये उस एनर्जी से बाहर आना चाहते हैं और अब आपके साथ चीज़ों को सही करना चाहते हैं। हालांकि अभी एनर्जी अभी भी इनकी फायरी है, ठीक है, तो ये नहीं कह सकते ये ऐसा बनना चाहते हैं, बट अभी फ़िलहाल में अगर हम कहें तो अभी इनकी एनर्जी कुछ लोगों के लिए होगी कि अभी भी बने नहीं है, वैसे अभी बनना ज़रूर चाहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन अपने अंदर लाना चाहते हैं, विश कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, तो ये है इनकी एनर्जी। चलिए अब हम देख लेते हैं उनका मैसेज क्या है, इसके साथ ही हम रीडिंग को वाइंड अप करते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन, आई नीड ओनली वन कार्ड बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं। मतलब नोज़ ब्लॉक हो जाती है तो बहुत दिक्कत होती है। प्लीज़ डिवाइन, आई नीड ओनली वन कार्ड, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। यू आर अ चीटर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैंने अभी सफल करके रखा था तब भी यही दिखा था, यू आर ए चीटर, आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है आप इन्हें धोखा दे रहे हो। टेन ऑफ सॉर्ड की एनर्जी आपके लिए ही है, अभी भी इनके माइंड में ये चल रहे हैं कि आप इनको धोखा दे रहे हो, आप पीछे हटे हो कहीं ना कहीं। ठीक है, ये है,
यू कॉन्ट अंडरस्टैंड माई सिचुएशन, सो मेनी नाइट्स आई हैव क्राइड फॉर यू ओनली. यस, आप लोगों के बीच में कमिटमेंट को लेकर के आई थिंक इशू हुआ है, इसी वजह से आप लोगों में अभी सेपरेशन है. आप बात नहीं कर रहे हो, नाराज हो इनसे, और दूसरी चीज़ आप इन्हें अपने पास आने भी नहीं दे रहे हो. ये हो सकता है बहुत फिजिकली अट्रैक्टेड हैं आपके पास, ये आना चाहते हैं आपके पास, शायद आप आने नहीं दे रहे हो, इनसे मिल नहीं रहे हो. तो वहाँ पे इनकी एनर्जी क्या है, इनको ऐसा लग रहा है आप इन्हें चीट कर रहे हो, धोखा दे रहे हो आप इन्हें, ठीक है. आप अपने कमिटमेंट से पीछे हट रहे हो, ठीक है. और ये आपको प्रपोज कर रहे हैं, आई थिंक ऑफर कर रहे हैं, बट ऑफर फोर ऑफ कप्स की जो एनर्जी है वो आपके लिए है कि आप इनका प्रपोजल नहीं ले रहे हो, ठीक है. तो ये एनर्जी इस वक्त इनकी है. तो ये थी हमारी आज की रीडिंग. उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी. अगर रेजोनेट किए, गाइडेंस मिली है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा. मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में. टिल देन बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल.